हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइस, एक रिजेक्शन और दोबारा दिल्ली का अपॉइंटमेंट डेट 5 जुलाई इन दिल्ली मॉर्निंग 8 AM। एंड ये रीज़न मेरा इसलिए है शेयर करने का, मतलब मैं ज़्यादा रिजेक्शन शेयर तो करता नहीं बिकॉज बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट लेकिन इनसे क्या आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हमको अपनी प्रोफाइल में मतलब क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या चेंजेस नहीं करने चाहिए। तो ये जो रिजेक्शन है, एक तो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है और दूसरा रीज़न है इनका स्ट्रीम चेंज है, और स्ट्रीम बिल्कुल ही डिफरेंट है। बैचलर्स इन्होंने किए बीटेक, और मास्टर्स के लिए जो उन्होंने कोर्स चूज़ किया था वो था एमबीए। इनसे चार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, सेकंड क्वेश्चन वाज व्हिच ईयर यू कंप्लीटेड योर बैचलर्स परसेंटेज इन बैचलर्स, द फोर्थ क्वेश्चन वाज व्हाई चूज एमबीए आफ्टर बीटेक। और जैसे ही क्वेश्चन पूछा उसके जस्ट उसके बाद ही उनको आंसर देने के बाद उनका वीज़ा रिफ्यूज हो गया था। तो मेजर था स्ट्रीम चेंज, सेकंड था यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया मीरामार यूनिवर्सिटी, उसके वीज़ा लगते हैं पर बहुत कम लगते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कैलिफोर्निया मीरामार अलायंट और ये तीन चार जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वेस्टक्लिफ वगैरह, इनको आप अवॉइड करो, कोशिश करो अवॉइड करो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ। आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सही यूनिवर्सिटीज़ में, हाई रैंकिंग अच्छी ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, अच्छी कंसल्टेंसी चूज़ करो, इसलिए कि आपका रिजेक्शन है। एक बार रिजेक्शन आने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है और हर टाइम पे प्रॉब्लम होती है, जब आप फाइल चूज़ करते हो, नई फाइल बनाते हो, आप दोबारा इन्वेस्ट करते हो, रिफ्यूज स्लॉट्स अभी बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो सब एक मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। सो गाइस, ये थे रिजेक्शन का केस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।